हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग टाइटल पे मेंशन किए गए शेयर का पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इस शेयर के ऊपर अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए और इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। ईकेसी, जिसका फुल फॉर्म है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर लिमिटेड, ये शेयर आपका आज के दिन क्लोज हुआ है 194.80 और यही आज के दिन का इसका हाई है, मतलब हाई पे ही क्लोज हुआ है। आज का लो है आपका 191। फिनस्टर्न ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका 2185.81 करोड़ और एंटरप्राइज वैल्यू है आपका 2,232.83 करोड़। पीई रेशियो है आपका 13.02 जो कि अच्छा ही है और इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है 111.20 करोड़, मतलब इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.30। किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 1 से कम ही है। और कंपनी के पास अभी आपका कैश है 64.18 करोड़, मतलब कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 111 करोड़ का लगभग डेप्थ है इसको, इसका जो 50% है उसको चुका सकता है। अर्निंग पर शेयर है आपका ₹14.96। सेल्स ग्रोथ हुआ है इस शेयर में 53.33% जो कि बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका है 32.29% जो कि बहुत ही बढ़िया है। आरओसीई आपका है 39.88% जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस शेयर में इस साल में हुआ है 545.94% जो कि बहुत ही जबरदस्त है। ओके, एंड प्रमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में है आपका 67.39%। किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ऊपर होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है तो एक अच्छी बात है। लेकिन देखिए, लास्ट 2020 दिसंबर के महीने में ये जो 67.39% प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें आपका 44.50% आपका शेयर प्लेस था, लेकिन मार्च महीने में, मतलब 2021 का मार्च का जो पहला क्वार्टर आता है साल का, उस क्वार्टर में आपका, मतलब कैलेंडर ईयर के हिसाब से जो पहला क्वार्टर आता है उस क्वार्टर से एक कंपनी ने क्या किया, उसका जो प्लेजिंग शेयर है उसको पूरा नील कर दिया, पूरा जीरो कर दिया और तब से आज के डेट में भी आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। ओके, तो फंडामेंटल जितना भी डेटा देखा मुझे शेयर बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका आपका क्वार्टरली रिजल्ट, लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से आपका कंपेयर करेंगे। ओके, तो देखिए अभी मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का आपका क्वार्टरली रिजल्ट भी ओपन कर लिया है। इस क्वार्टर में, मतलब लास्ट जो क्वार्टर था सितंबर 2021, उसमें आपका नेट सेल हुआ था 302.63, जो पिछले क्वार्टर में हुआ था 245.24, जो भी मैं फिगर यहाँ पे बता रहा हूँ वो करंट में बता रहा हूँ, उसके पिछले में हुआ था आपका 232.25, उसके पिछले क्वार्टर में हुआ था 200.27 एंड उसके पिछले क्वार्टर में हुआ था 191.94, मतलब इस पांचों क्वार्टर में अगर हम लोग नेट सेल्स का कंपेयर करें तो इसी क्वार्टर में हम लोगों को सबसे बढ़िया नेट सेल होता हुआ दिखाई पड़ा है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपेयर कर लेंगे। देखिए इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका हुआ है 95.27 करोड़, जो इसके पिछले क्वार्टर में था 82.89 करोड़, उसके पिछले क्वार्टर में था 60.07 करोड़, उसके पिछले क्वार्टर में था 48 करोड़ एंड उसके पिछले क्वार्टर में था आपका 41.32 करोड़। तो यहाँ पे दो चीज मेनली देखने लायक। एक तो देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आया है, और एक चीज देखने के लायक है, देखिए हर एक क्वार्टर में एक कंपनी उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करके जा रहा है, मतलब हर एक क्वार्टर में कंपनी आपका सक्सेस मिल रहा है, अच्छी काम कर रहा है और रिजल्ट भी उसके हिसाब से ही आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है आपका 60.36 करोड़, जो आपका पिछले क्वार्टर में आया था 51.8 करोड़, उसके पिछले क्वार्टर में आया था आपका 25.06, उसके पिछले क्वार्टर में आया था 30.65,
एंड उसके पिछले क्वार्टर में आया था 31.99। मतलब ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इस क्वार्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है एंड लास्ट चार क्वार्टर के मुकाबले भी इस क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आया। मतलब ओवरऑल अगर इस क्वार्टर का हम लोग नतीजे का बात करेंगे तो इस क्वार्टर में नतीजे बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस शेयर का आपका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे। ओके, तो देखिए अभी मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया। आगे बढ़ने से पहले और एक चीज आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, इस शेयर को मैंने 30 नवंबर के दिन एनालिसिस किया था। उस टाइम पे इस शेयर का प्राइस चल रहा था ओनली 147 रुपीज और मैंने बोला था बहुत जल्दी ये आपका 180 का टारगेट अचीव कर जाएगा। देखिए आज के डेट में 194.80 इसका प्राइस है, मतलब 180 का जो मेरा टारगेट था लास्ट टारगेट वो अचीव हो चुका है। ठीक है, अभी आ जाता है सीधे चार्ट पे। तो देखिए ये शेयर आपका इसी साल जून महीने में चल रहा था ओनली 47 रुपीज और अभी चल रहा है 194 रुपीज। मतलब इसी साल आपका अगर जनवरी की बात कर लो, जनवरी महीने में, तो अगर जनवरी महीने से अभी दिसंबर महीने तक देखें, मतलब एक साल के अंदर ये शेयर लगभग आपका 4 गुना रिटर्न दे चुका है और क्लियरली अप ट्रेंड में है। तो ये तो चार्ट देख के हम लोगों को पता चल रहा है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे आपका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिए कल के दिन में यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था, जिस कैंडल में बाय सिग्नल दिया था वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था और आज के डेट में भी उसके ऊपर ही गैप अप में ओपन हुआ एंड क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही हुआ है, तो एक पॉजिटिव बात है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से भी ये शेयर आपका 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर RSI की बात करें तो RSI भी आपका बहुत दिनों से आपका अबव 60 का जो पॉइंट है उसको मेंटेन करके चल रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है टेक्निकली। एंड अगर हम लोग MACD की बात करें तो MACD थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट हम लोगों को देखने को मिलता, लेकिन लास्ट दो दिन से MACD में हम लोगों को तेजी दिख रहा है और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर तो है ही, उसके ऊपर लास्ट दो दिन से यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब ओवरऑल अगर डेली चार्ट की बात करें तो ये शेयर मुझे बहुत ही बुलिश लग रहा है। लेकिन और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस शेयर का आपका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो देखिए अभी स्क्रीन पे मैंने वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2020 मार्च का महीना उस टाइम पे ये शेयर चल रहा था 10 रुपए करीब और अभी कितना चल रहा है 194, मतलब लगभग 200 का रेंज में चल रहा है। तो अगर 2020 मार्च से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना महीना हो रहा है, एक साल लगभग 8 महीना हो रहा है। ठीक है, एक साल 8 महीने के अंदर ये शेयर लगभग 20 गुना रिटर्न दे चुका है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इसका इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट में। तो देखिए इस जगह पे ये आपका था सितंबर, 13 सितंबर का जो वीक था उसी वीक में यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था, उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता रहा, थोड़ा बहुत गिरता रहा, लेकिन ये शेयर कभी भी सुपर ट्रेंड का जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ के नीचे सस्टेन कर नहीं सका। और यहां से देखिए सपोर्ट लेने के बाद ये शेयर अभी कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा है। पिछले वीक में हम लोगों को थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला था, लेकिन इस वीक में क्या किया, एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ है और उस कैंडल ने क्या किया, पिछले वीक का जो आपका वीक कैंडल था उसको पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये शेयर आपका 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। अगर RSI की बात करो तो देखिए RSI यहाँ पे अभी भी आपका 60 का ऊपर का जो लेवल है उसको मेंटेन करके चल रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर MACD की बात करो तो MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है एंड इस वीक में यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब क्या, वीकली चार्ट में भी हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बुलिश साइन दिख रहा है। लेकिन और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस शेयर का मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो देखिए अभी मैंने क्या किया, स्क्रीन पे इसका मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस जगह में, ये था आपका 2020 अगस्त का महीना, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था और तब से ये शेयर कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा है। लास्ट 3 महीने से ये शेयर क्लियरली यहाँ पे अप ट्रेंड पे ही है, तो चार्ट देख के हम लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर RSI की बात करो तो RSI भी आपका 60 लेवल से ऊपर है, 0 पॉइंट से नहीं, 0 पॉइंट से ऊपर तो आपका MACD होता है। RSI आपका बहुत दिनों से एटलीस्ट मतलब बहुत महीनों से आपका 60 का लेवल के ऊपर को ही मेंटेन करके चला, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है टेक्निकली। अगर MACD की बात करो तो MACD भी आपका बहुत महीनों से 0 पॉइंट का जो लेवल है उसको मेंटेन करके चल रहा है। बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, लेकिन लास्ट 2 महीने से यहाँ पे फिर से हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। मतलब ओवरऑल अगर
बात करेंगे तो ये शेयर तो फंडामेंटली स्ट्रांग है ही और टेक्निकली भी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 194-195 इसी रेंज में अगर इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 3 महीने का भी तो है तो मुझे जो लगता है 3 महीने के अंदर ये शेयर आपका 230 का जो टारगेट है वो अचीव कर लेगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहां पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।